देवास में नगरीय निकाय चुनावों के दौरान सुर्खियों में चल रहे शहर के वार्ड क्रमांक 12 में कुछ असामाजिक तत्वों ने कई चार पहिया वाहनों के कांच बुधवार अल सुबह फोड़ दिए थे। वाहनों के कांच फोड़ते हुए कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे, जो डंडा लेकर वाहनों के कांच फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन वाहनों के कांच फोड़े गए हैं उनमें एक नया वाहन भी शामिल है। घटना के बाद रहवासियों ने इस पर आक्रोश जताया और चुनावी रंजिश के चलते होना बताया। बुधवार सुबह रहवासी सिविल लाइन थाने पहुंचे और अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया था। बताया जा रहा है कि वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 5 लड़के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे, जिनकी पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी। दोपहर में पुलिस ने 5 आरोपियों को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। राजाराम नगर के रहवासी ने बताया कि बुधवार अल सुबह करीब 3:35 पर आसपास कुछ असामाजिक तत्व आए और वाहनों में तोड़फोड़ करने लगे। इनके हाथों में डंडे व पत्थर थे। करीब 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़े गए हैं। तोड़फोड़ के दौरान आहट होने पर कुछ लोगों की नींद खुल गई। ये बाहर आए तब तक असामाजिक तत्व रफू चक्कर हो चुके थे। मामले में फरियादी कमलेश पवार की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने धारा 427 के तहत केस दर्ज किया था। इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात्रि में राजाराम नगर में कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े गए थे, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आकाश पिता जगदीश परमार उम्र 18 वर्ष निवासी मुखर्जी नगर, सुजल पिता रामचरी लोनिया उम्र 18 वर्ष निवासी पाचनूरकर कॉलोनी और 3 अन्य नाबालिग शामिल है। घटना में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि नशे में होकर मस्ती के लिए और क्षेत्र में दहशत फैलाने की नीयत से इनके द्वारा यह कार्य किया गया था। इसका चुनाव या राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कल रात की घटना है, 3 से 3:30 करीब 5 लोग आए और सब गाड़ियों के कांच फोड़ते हुए निकल गए। 5 गाड़ियों के कांच फोड़े इन्होंने। असामाजिक तत्व लोग थे और जिनके सीसीटीवी कैमरेज में सबके चेहरे भी आ गए हैं और सबको पहचान भी लिया गया है। पुलिस प्रशासन को हमने सुबह जाकर के रिपोर्ट भी की है। पुलिस प्रशासन को हमने सीसीटीवी कैमरेज की जो रिकॉर्डिंग वो भी दे दी है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। नहीं, अब आरोपी भी पकड़ा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कौन किस तरह का ये अभी जोड़ कर देखा जा रहा है? ये प्रशासन का काम है, प्रशासन उनको बात करेगी कि क्या करना आप क्या नहीं करना। हम संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई। वो घटना भी निंदनीय घटना थी, महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी और उसमें भी स्वागत के लिए सब ये लफड़े हुए थे। सब चुनाव स्टैंड था ये, तो कि हमारे लोगों को घुसने नहीं दिया वहाँ पर और सब ये महिलाओं के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ, और किसी को ये है कि यहाँ पर उनकी मानसिकता ये है कि ये पे लोगों को डरा दे, धमका दे, जैसे तैसे इनकी मानसिकता। अब चुनावी जब ये हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो लोग चाहते हैं हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। प्रशासन से पूरी मांग है कि हमारी ये वार्ड को पूरा सुरक्षा दी जाए और बिल्कुल संवेदनशील घोषित किया जाए। कल रात्रि में राजाराम नगर में रात्रि में लगभग 3 और 4 के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाहनों के कांच फोड़े गए थे, जिसकी शिकायत थाने में सिविल लाइन पर यहाँ के नागरिकों द्वारा की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन अज्ञात आरोपियों की पतराशी की गई, जिनमें ये 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और इनके द्वारा कांच जो यहाँ पर फोड़े गए हैं उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और थाना सिविल लाइन पर धारा 427 का अपराध पंजीकृत किया गया है। इनसे अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि आरोपियों को अभी यहाँ लेकर मैं घटनास्थल तस्दीक के लिए आया था, क्योंकि इनके द्वारा कहाँ घटनाकारित की गई, कैसे घटनाकारित की गई और घटनाकारित करने की क्या कार्यप्रणाली रही है, इसको लेकर इनकी तस्दीक की गई। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने देखा था, इनकी इनके द्वारा जो है यहाँ पर घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है और घटना के बारे में और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पूर्व में भी इनके विरुद्ध में कोई और भी शिकायतें हैं तो उसके संबंध में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये इसका किसी भी चुनाव वगैरह इस घटना का किसी भी चुनाव से या किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी चुनाव संबंधी प्रक्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि हम लोगों जो है नशे में होके मस्ती के लिए और क्षेत्र में दहशत फैलाने की नीयत से हमारे अभी इनकी पूछताछ की जा रही है। चूँकि कार्यप्रणाली इनके द्वारा जो है वाहनों के कांच फोड़कर क्षेत्र में सनसनी फैलाना, ये सभी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोई चाणक्यपुरी का है, कोई पाचनकर कॉलोनी का है और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ, और भी घटनाओं के बारे में इनसे सभी से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर कांच की जो वाहनों के कांच फोड़ने की इनके द्वारा घटना घटित की गई है वो घटना को संबंध में लेकर इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ पे इनके द्वारा घटना को स्वीकार किया गया है। क्षेत्र में और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी और जैसा खुलासा होगा उसकी जानकारी सभी को बताई जाएगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।